सुप्रभात बच्चों, तो आप लोग अपने अपने उपस्थिति दर्ज कर लीजिएगा। आज का जो यह क्लास है, यह व्याकरण पढ़ाई होगी आज, और व्याकरण के संदर्भ में तो मैं आपको बहुत चीज बता दिया हूँ। अब ज़्यादा सिलेबस से आगे तो पढ़ना है नहीं। आपका जो दायरा है पढ़ने का, जो आपका क्षेत्र है, आपको जो बोझ उठाने की क्षमता है, उतना ही आपको बोझ दिया जाएगा। इसीलिए बार बार इन्हीं सब चैप्टरों की पुनरावृत्ति करते हैं, जो कम से कम ये सब चैप्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाए। उसके बाद अगर नहीं जानकारी हो रही है तो इसमें आपका दुर्भाग्य है। कहे कि अगर मैं संज्ञा ही पढ़ाया तो अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है तब से 2-3 बार संज्ञा पढ़ा दिया। सर्वनाम ही पढ़ाया तो 2-3 बार पढ़ा दिया। पुनः मैं वही काम करने जा रहा हूँ आज। संज्ञा के बारे में तो आप लोग जानते होइएगा, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने भेद होते हैं। मैं संज्ञा के बारे में पढ़ाना उचित नहीं समझता हूं, चूंकि आप लोग शायद संज्ञा के बारे में बिल्कुल आश्वस्त होइएगा, बिल्कुल जानकारी होगी आप लोगों को। तो आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच माने भाषा के जो प्रकार हैं, 8 प्रकार होते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वगैरह वगैरह, तो संज्ञा के बाद का जो आता है सर्वनाम, इसको पढ़ना जरूरी है और आज मैं इसी को पढ़ाता हूँ। सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के बदले में जो आप शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। दैट वर्ड विच कम्स इन लिव ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। आप लोग पढ़े होइएगा इंग्लिश में, इंग्लिश के व्याकरण में, ग्रामर में। वही बात हिंदी में भी है, संज्ञा के बदले में जो आता है, जैसे मैं, तुम, वह, आप या वह, दिस, मैं जो आया, ये सर्वनाम क्यों हुआ? इस पर कभी सोच करके देखे कि मैं सर्वनाम क्यों हुआ? तो मैं जो सर्वनाम हुआ, मैं किसके बदले में आया है? मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, यह एक बात क्या हुआ। मैं कौन? मैंने ईश्वर है, आप आदमी है, कोई जानवर है, कोई वस्तु है, क्या? तो मैं से तात्पर्य होता है किसी खास, कोई खास व्यक्ति जिसका कुछ नाम है। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। तो संज्ञा के बदले में मैं अपना नाम नहीं कह करके उसके बदले में मैं कर दिया, तो यही ना सर्वनाम हुआ। तुम जिसको कहते हो तुम, क्या उसका नाम नहीं है? लेकिन उसका नाम कर करके तुम नहीं उसको संबोधित करते हो, तुम कर करके, तुम इधर आओ, तुम बहुत बदमाश लड़का है वो, तुम खाना खा लिया कि नहीं खाया, तुम शब्द से जो आप संबोधित करते हो, यही तुम शब्द जो है सो उस लड़के का नाम है, लेकिन लड़के का नाम नहीं लेकर के उसके बदले में तुम कर दिया, तो यही सर्वनाम हुआ। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक श्रवणम, अनिश्चयवाचक श्रवणम, प्रश्नवाचक श्रवणम, ये सब श्रवणम के भेद हैं। तो इसको जानना जरूरी है कि ये श्रवणम के जो छह भेद होते हैं कौन कौन होते हैं और इसकी पहचान कैसे होगी। आपको कोई वाक्य बना करके दे, वाक्य दे देगा और इसमें से कहेगा कि श्रवणम के भेद को पहचानो, सिर्फ श्रवणम को नहीं पहचानिए, उसके भेद को पहचानिए कि उसमें जो शब्द दिया हुआ है पुरुषवाचक है निजवाचक है निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है संबंधवाचक है वगैरह। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जिससे स्त्री या पुरुष के होने का बोध हो, स्त्री या पुरुष के होने का जब बोध होगा तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके तीन भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, बोलने वाला प्रथम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बोला जाए अन्य पुरुष। तो ये तो होता है। तो मैं, तुम, वह, आप, ये सब शब्द जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। समझ गए होइएगा आप लोग। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अंतर्गत जो जो शब्द आने वाले हैं ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। अब आप आइए निजवाचक सर्वनाम जो हुआ निजवाचक, जिस सर्वनामिक शब्द से निज का बोध हो, अपना खास खुद का बोध हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ऐसे शब्द समूह हैं अपना, स्वयं, आप, खुद, नहीं, अपना काम आप करो, अपना काम आप माने कौन, तुम अपना काम तुम करो, आप माने वहां संज्ञक से रिलेटेड है ये, अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं यहां पर क्या हो गया बोलिए, स्वयं क्या हो गया, अपना काम जो है किसी व्यक्ति का काम, संज्ञा का काम, तो आप करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, खुद करना चाहिए, खुद माने उसी व्यक्ति को करना चाहिए। तो ऐसा जो शब्द हुआ क्या हुआ, निजवाचक, आप लोग समझ गए होइएगा। अब आइए निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है कि निश्चय वस्तु
का बोध हो, निश्चित शब्द का बोध हो। निश्चित का मतलब होता है यह कौवा है, जो पक्षी है उसके बारे में मैं जानता हूँ, निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि यह कौवा है। तो यह वह ये वे ये सब शब्द जो है सुनिश्चित वाचक के अंतर्गत आते हैं। वह खाना खा लिया है, वह किसी निश्चित वस्तु के लिए, किसी निश्चित व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग किया गया है। राम खाना खा लिया है, अगर कोई पूछेगा जी तुम खाना खा लिए हो, कोई बगल में लड़का बैठा हुआ है कहेगा कि वह खा लिया है। वह खा लिया है कौन? राम खा लिया है। तो या वह ये वे ये सब यह वह का बहुवचन हो गया, ये वे। तो जहां यह और वह निश्चयवाचक में आता है सिंगुलर नंबर में, तो वहां प्लूरल में क्या नहीं आएगा, इसलिए ये वे भी है। पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया। अब अनिश्चयवाचक में कुछ अनिश्चयवाचक जो शब्द है उसमें एक शब्द आता है कुछ। कुछ पैसे दो, अगर तुम किसी से कुछ पैसे मांगते हो, कुछ पैसे दो, वो भी व्यक्ति किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं इसे कितना पैसा दूं। सैकड़ा के अंदर दूं, हजार के अंदर दूं, या फिर कुछ मोटी रकम दूं, पता नहीं है। अनिश्चितता का बोध हो रहा है इससे, इसलिए जिस शब्द से अनिश्चितता का बोध हो, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है मैं कौन आ रहा है हमको मालूम नहीं है, कोई आ रहा है, कोई हुआ, कुछ हुआ, जिससे कि आप कंट्राडक्शन में पड़ जाइएगा, अस्पष्ट जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो वैसे शब्द अनिश्चयवाचक के श्रेणी में आते हैं। अब आइए प्रश्नवाचक। नहीं, एक है इससे पहले, पांचवा है संबंधवाचक। संबंधवाचक किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो वाक्य में अगर दो सर्वनाम है, कोई दो सार्वनामिक शब्द है, तो दोनों सार्वनामिक संबंध शब्द के संबंध को जोड़ने का जो काम करता है शब्द, वही संबंधवाचक कहलाता है।
जो सो नहीं, ये सब संबंध है। जो लड़का खेल रहा है मेरा भाई है, जो लड़की पढ़ रही है मेरी बहन है, तो जो और सो शब्द जो हुआ संबंध को दर्शाता है। जैसे वह कौन है जो रो रहा है, यह भी संबंध दिया गया। वह कौन है जो रो रहा है, जो रोने वाले के साथ संबंध है। वह जो ना करे वह थोड़ा ही होगा। तो वाक्य से आपको स्वतः पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा शब्द, कौन सा सार्वनामिक शब्द संबंधवाचक से संबंधित है। अब आइए लास्ट प्रश्नवाचक। पढ़ाई के दौरान तो प्रश्नवाचक आप लोग अभी तक बहुतों बार, अनेकों बार पढ़े हुए हैं। प्रश्नवाचक का मतलब कि कोई वाक्य से ऐसा प्रतीत हो कि प्रश्न पूछा जा रहा हो, और जब प्रश्न किसी से कोई पूछता है तो उसमें कुछ खास शब्द अवश्य जोड़े जाते हैं। कब, क्यों, कितना, कैसे, कहाँ, क्या, ये जो शब्द हैं वाक्य में यदि इसका प्रयोग हो गया तो इससे तुमको उत्तर की जानकारी नहीं मिलेगी, प्रश्न की ही जानकारी मिलेगी कि यह कोई प्रश्न पूछ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, अब जवाब दो उसको, तुम क्यों सोते हो, जवाब दो, तुम कैसे हो, अब जवाब दो कि मैं कैसे हूं, तुम्हारा नाम क्या है, अब अपना नाम बताओ। तो जहां कब, क्यों, कितना, कैसे, कहां, क्या, ये सब शब्द का प्रयोग होता है जिस वाक्य में, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार आज सर्वनाम के बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दे दिया। ये तो आपके यहाँ का, भारत का सर्वनाम है। रूस के एक वैयाकरण सर्वनाम का उल्लेख करते हुए कहा है कि एक ऐसे भी सर्वनाम होते हैं जिसे हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो कि एक
अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम के सब भेद में सर्वथा यह भिन्न है, क्योंकि इसमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया संयुक्त सर्वनाम। अब जैसे जो कोई सब कोई हर कोई और कोई कोई और जो कुछ सब कुछ और कुछ और कोई एक कोई भी कुछ एक कुछ भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ 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 कोई कोई, ये जो शब्द हैं आपके व्याकरण में इसका कोई स्थान नहीं दिया गया कि सर्वनाम के किस श्रेणी में इसको रखा जाए, है ना। इसीलिए रूस के जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदी के बहुत प्रकांड विद्वान, उन्होंने ऐसा किया है, एक नए तरह के सर्वनाम की खोज की है और उसका नाम संयुक्त सर्वनाम दिया है। उसका नाम संयुक्त सर्वनाम दिया है और संयुक्त सर्वनाम के जो मैं अभी जितना उदाहरण दिया हूं सब संयुक्त सर्वनाम से ही रिलेटेड है। अतः जानकारी कोई व्यर्थ नहीं जाता है, एक संयुक्त सर्वनाम को भी आप जान लीजिए, जो कुछ सब कुछ 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 कोई कोई कुछ ना कुछ कोई ना कोई कोई एक, ये सब शब्द जो मैं आपको बताया, ये सारा शब्द आपने जो सर्वनाम पढ़ा है अभी उसमें कहीं से नहीं आता है। सर्वनाम के जो छह भेद होते हैं उस एक भेद के अंतर्गत ही यह नहीं आता है। अतः इसके लिए संयुक्त सर्वनाम ही उपयुक्त नाम दिया गया, जो कि रूस के विद्वानों ने इसके बारे में जिक्र किया। तो आवाज की पढ़ाई मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ, फिर कल मैं आपको विशेषण की बात पढ़ाऊंगा, विशेषण से संबंधित जानकारियां मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए
मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, कल पुनः मैं आपसे मिलूँगा, आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। Yeah, I'll do it.